नहीं कर सके भाई, बस अब भाई हमें मार पड़नी है। ये देखिए भाई रेडी पता नहीं क्या कर रहा है। रेडी भाई ओ रेडी ख्याल कर लेना कुछ नाजुक जाने है जिस स्टाइल की। ओ तेरी खेलो पे भाई, नहीं 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 नहीं। और ये फिर आरके ओ रेडी ने लगाया। आहा बहुत चंगा ना मैं। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि भाई एजे स्टाइल, करेन क्रॉस और रैंडी ऑर्टन फाइनली आप लोगों ने मुस्तफा अली के अलावा किसी और बंदे की कमेंट की। वरना तो भाई हर बंदा यही कह रहा है भाई मुस्तफा अली मुस्तफा अली मुस्तफा अली। अबे भाई बंदा पक जाता है यार, मतलब दुनिया में और ज्यादा भी रेसलर है, मुस्तफा अली तो नहीं है ना यार। आपको कह रहे हो मुस्तफा अली मंसूर, मुस्तफा अली ब्रॉक लेसनर, मुस्तफा अली जिंदरमार। अबे भाई और ज्यादा भी है। तो फाइनली आप लोगों ने कोई अच्छी कमेंट करी, ये वाली मुझे बहुत कमेंट पसंद आई, एजे स्टाइल, करेन क्रॉस और रैंडी ऑर्टन। तो भाई चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ट्रिपल थ्री आज की मैच है। अब सेलेक्ट अरीना करते हैं। अरीना जो होगी वो हमारी हेल इन अ सेल मैच होगी और जो हमारी मैच भी है वो भी हेल इन अ सेल है। तो भाई चैंपियनशिप उठा लेते हैं। चैंपियनशिप जो होगा वो हमारा होगा रेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, रैंडी के पास है तो रैंडी ने रख दिया है मैच में, स्पेस हमारी मैच स्टार्ट होगी। तो भाई जिन बंदों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इसकी टेंट कितनी चमक रही है केरिन क्रॉस की, इसकी वजह से चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई साहब, बहुत मैच खतरनाक होने जा रही है भाई क्योंकि रैंडी ऑर्टन एज ए स्टाइल और केरिन क्रॉस। केरिन क्रॉस की मुझे कमेंट आई थी, मैंने कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखी, नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। एक भाई ने कमेंट करी थी, मतलब देखते हैं क्या सबसे पहले कौन आता है। ओ भाई साहब आप लोग देखिए हेल इन अ सेल कितना खतरनाक लग रहा है। ये क्या केरिन क्रॉस की एंट्रेंस ऐसी है? अबे अंधेरा क्यों हो गया भाई, 1900 के दौर में हम लोग पहुंच गए क्या? ओ हेलो कहाँ है भाई, ओ आजा, कितना हजार करवाएगा? अबे टकले आ जाना, ये टकले टकला टकला ये टकला आ गया। एंट्रेंस कैसी है यार इसकी, कुछ अलग ही एंट्रेंस है, मतलब उसकी तो पुराने दौर की याद दिला रहा है। ये कैसी एंट्रेंस है यार, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसी एंट्रेंस। कुछ गुस्से में ज्यादा लग रहा है यार कि आज जो है यूनिवर्सल का मैच है तो गुस्से में होगा ना। पहली बार ये यूनिवर्सल का मैच लड़ेगा वो भी रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल के साथ, वो भी ट्रिपल थ्री एच मैच। तो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली मैच क्योंकि ये गेम बोर्ड भी मैंने हार्ड पर रखा हुआ है और सीढ़ियां भी लगा दी गई हैं। तो भाई इसको कर लेते हैं, इसके इसकी एंट्रेंस में कुछ ज्यादा मजा है नहीं। अब देखते हैं कि रैंडी ऑर्टन या फिर एजे स्टाइल्स। अब मेरे ख्याल से एजे स्टाइल्स आया है। ओ भाई साहब एजे स्टाइल्स की आप लोगों ने एंट्रेंस तो देखी होगी, कमाल एंट्रेंस है। ओ भाई साहब ये कौन सा बेल्ट लेकर आया है? अच्छा ये इसने रखा नहीं, वो रैंडी ऑर्टन ने रखा है। इंशाल्लाह इसका बेल्ट भी रखेंगे, WWE चैंपियनशिप, इसको मैंने जितवाया था। और आपको पता है कि मुझे हमेशा एजे स्टाइल पसंद है, मैंने अपने लिए उठाया एजे स्टाइल है। तो भाई एजे स्टाइल की भी हम लोगों ने एंट्रेंस देख ली थी तो भाई इसको भी कर लेते हैं इसके। अब जो है रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस देखते हैं। रैंडी ऑर्टन आजा। ओ भाई साहब सांप आ गया डसने के लिए भाई, टकले को भी और एजे स्टाइल को भी, और यही बेल्ट लेकर आया यूनिवर्सल का। ओ तेरी खैर क्या खतरनाक लग रहा है यार सच्ची में। सालों से इसकी म्यूजिक यही है यार, ये मुझे बात इसकी बहुत अच्छी लगी है क्योंकि रोमनस ने भी म्यूजिक चेंज कर लिए, बाकी सारों ने भी चेंज करी है लेकिन रैंडी ऑर्टन ने चेंज नहीं करी, तो ये मुझे बहुत इसकी बात अच्छी लगती है। और है भी वाइपर भाई खतरनाक बंदा है, इसने WWE का टाइटल भी जीता हुआ है भाई, सुपरमैन है सुपरमैन, बंदा नहीं है ग्रेट है। लेकिन अब थोड़ी बहुत जो है बेमानी करता है, किसी टार्जन बंदे के साथ मिल गया है मेरे ख्याल से, बगैर जूते वाला उसके साथ ये मिल गया है, उसके साथ टैग टीम लड़ता है लोगों के साथ। चलिए भाई रैंडी ऑर्टन भी हो गया है, अब जो है हमारे यूनिवर्सल का टाइटल आ जाएगा हमारे स्क्रीन पर। आजा भाई ये देखिए भाई साहब कितना खतरनाक लग रहा है, बहुत आला लग रहा है। तो भाई इस मैच में मैं कहीं भाग नहीं सकता क्योंकि भाई ऊपर जा रही है, आपको पता है कि भाई रिंग के अलावा तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता। तो भाई अब जो है हमारे रेफरी ने बेल्ट भी दिखा दिया है तो हम तैयारी करते हैं इन दोनों को जूते मारने की। तो भाई चलिए स्टार्ट हो जाओ, तुम दोनों टकला, तू भी तैयार हो जा। और रैंडी भी टकला है, नहीं रैंडी को थोड़े बहुत बाल हैं तो रैंडी को टकला नहीं कहेंगे हम। चलो भाई साहब ये बंद हो गई, तो अब मेरी नजर किस पे है? अबे भाई ओ एजे स्टाइल इधर कहाँ चढ़ा है, मार रैंडी ने भाई टकले को मार दिया। ओहो रैंडी तेरी इतनी पावर भाई, तूने टकले को रिंग से ही बाहर कर दिया। टकले को आ गया गुस्सा, टकला भाई रिंग के अंदर आ गए, लेकिन उससे पहले रैंडी को हम मार देते हैं और टकला लोगों को स्टाइल दिखा रहा है। इधर मैं तेरा स्टाइल निकालता हूँ टकले, केरियन क्रॉस में तेरा स्टाइल निकालता हूँ। दोनों को मार पड़े, रेंडी उठ गया। तो भाई दोनों को आज पूरे तरीके से सजा कर। अबे भाई कहाँ भाग रहा है, और भाई टकला कहाँ भाग रहा है, डंडा वंडा उठाने जा रहा है क्या? ओ भाई बेसा क्यों कर रहे हो मुझे, रिंग के अंदर आओ ना रेंडी, ओ रेंडी मार खाना मुझसे मार। अबे भाई क्यों बेसा कर रहे हो मुझे, टकला है तो टकले को मारेंगे। ये भाई थपा थपी शुरू, ये थे थपड़े थे जूते थे, टकले की हालत पूरी तरह से हमने खराब कर दी। और रेंडी डंडा लेकर आया, रेंडी यार ये बात गलत थी तेरी। ओ भाई रेंडी ने पकड़ लिया, लेकिन नहीं एजे स्टाइल ने रिवर्स कर दिया। आज जो है मैं पूरे गुस्से में आया हूँ, किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये जो रेंडी डंडा लेकर आया ना, इसको खुद को ही पड़ेगा डंडा। तो भाई उठा और ये जो है रेंडी को दे दे एक
और दे दे एक, अबे भाई इसने रिवर्स कर लिया, अबे रेंडी नहीं 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 रेंडी ने भी भाई रिवर्स कर लिया और भाई अपना मूव रेंडी ने हमें मार दिया और मैं हो गया स्टंट। अबे भाई इतनी जल्दी स्टंट यार, ये बात तो गलत है। रेंडी अभी टकले की हालत अच्छे तरीके से बुरी कर रहा है, टकले ने तो अभी तक किसी को मारा ही नहीं है और ये सबमिशन कर रहा है इतनी जल्दी। अबे भाई ओ जैसे टकला हार जाएगा, पावर नहीं टकले में, लेकिन नहीं भाई टकले ने रिवर्स कर दिया तो हम लेकर आते हैं अभी डंडा। अबे भाई ओ डंडा लेकर आना और ये जो है निकालेंगे डंडा, तो बेलचा निकालेंगे, बेलचा है इसमें, बेलचा नहीं है तो हम निकालेंगे चेयर सही रहेगी, तो भाई देंगे टकले को। हमारे रेंडी को बहुत ज्यादा मार पड़ी है, चल भाई उठा 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 उठा, हमारे रेंडी को तू मार देगा, तुम्हें इतनी हिम्मत कर हमारे रेंडी को। अबे भाई टकले को मारना और ये जो है दे 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 दिया है, हमारे रेंडी को मारेगा, हमारे रेंडी को मारने का सिर्फ हमें हक है, नहीं भाई रेंडी ने रिवर्स कर दिया और ये जो है रेंडी ने सुपरप्लेक्स भी मार दिया है, टकला हो गया स्टंट और एजे ने भी पावर दिखा दिए, रेंडी पूरे तरीके से बेहाल हो गया है। अब मैं रेंडी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, रेंडी तू खा ले मार मुझसे। एजे सेल का आप लोग नया मूव देखिए, ये जो है मुंडी से पकड़ के इसको रिंग में दे दिए। ओ भाई साहब भाई आज एजे कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा है, लेकिन टकला फिर से आ रहा है भाई स्टंट होके। ओ रेंडी ने भाई पकड़ लिया है और ये जो है रेंडी ने उठाए, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे, रस्से में नहीं मारना रेंडी। ओ नहीं नहीं रस्से में ही मारा है भाई टकला, वहां पे स्टाइल दिखा रहा है। अभी टकले यार तू क्यों स्टाइल दिखा रहा है, रेंडी से मार तो खा लेना थोड़ी। ये भाई साहब अब रेंडी को हम मारेंगे, नहीं 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 रेंडी से, अबे अबे सॉरी सॉरी यार ये गलती हो गई, मुझे रेंडी को मारना चाहिए था भाई। ओ टकले ए टकले को आ गया भाई गुस्सा और ये जो है सुपरलेक्स टकले ने हमें दे दिया है भाई, मुझे किसी को इंस्टेंट करना पड़ेगा। इधर आओ क्यों उठा रहा है भाई, ओ ये क्या ब्रोस में तूने फिनिशर मारा। अबे टकले यार ये तो सीन बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, ये ले लाते खा ये और ले, नहीं भाई टकले ने कर दिया रिवर्स। अब जो है टकला, अबे भाई टकले ओ ओ फिर से अगेन सुपरलेक्स, अबे भाई टकला तू खा के क्या है, मुझे एक बार उठने दो बस। डंडा उठा भाई डंडा उठा, ये लोग ऐसे जो है सुधरने वाले नहीं है तो उनको पहले मारना पड़ेगा डंडा। अबे भाई डंडा 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 डंडा, ये जो है डंडा मैंने उठा लिया तो मैं किसको मारूं, टकले को, टकले को देना। अबे भाई क्यों मारने नहीं दे रहा, मारने देना टकले, अबे टकले मारने देना। तो अब जो है डंडा उठा और ये जो है डंडा उठा लिया, मैंने कुर्सी उठाई है, रेंडी को भाई, ओ भाई रेंडी मुझे क्यों नहीं मारने दे रहे तुम लोग, डंडा वंडा उठा भाई उठ उठ उठ। और ये जो है अब इसको हम रेंडी को छोड़ने वाले नहीं, उठ उठ रेंडी उठ, इसको नया मूव मारेंगे आप लोग देखिएगा, ये जो है इसको और ये, ओ भाई साहब कमर में मारा है भाई, रेंडी की कमर पूरे तरीके से सूज गई होगी। तो अब उठाते हैं कुर्सी और रेंडी को देते हैं, ये रेंडी ले हमें मारने नहीं देगा तू, जरा और ले और ले और एक और ले, रेंडी भाई पूरे तरीके से सूज गया है। ये भाई साहब टकला भी आ रहा है, टकला तू क्यों आया भाई, ओ रेंडी यार मेरी चेयर मुझसे गिर गई, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है और रेंडी को पटक के फेंक दिया। और तू क्यों भाई स्टाइल दिखा रहे, भाई नीचे नीचे जा नीचे जा, दोनों को हमने कुछ ज्यादा ही मार दिया तो भाई दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और रेंडी वहां पे स्टाइल दिखा रहा है भाई, रेंडी और नीचे जा नीचे जा नीचे जा नीचे भाई नीचे जा नीचे जा नीचे जा नीचे, और भाई मैं नीचे चला गया। तो टकला मुझे मारने के लिए आ रहा है, टकला नहीं भाई नहीं 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 टकले को मैं मारने नहीं दूंगा, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ, ये दोनों लड़े मैं भाग रहा हूं इनसे क्योंकि मैंने इनको कुछ ज्यादा ही मार दे दिए भाई। चलो मैं रिंग में इन दोनों का इंतजार करता हूं, कोई भी आएगा तो उसको मैं मारूंगा फिनिशर या फिर सिग्नेचर। अबे भाई ऊपर 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 और एज स्टाइल ने जब, अबे यार ये क्या हुआ, अब लगा क्यों नहीं, गलत हुआ क्या, टकले ने पकड़ लिया है भाई और ये जो है टकले हमें पटक के फेंक रहा है भाई। टकले बस बहुत हो गया, बस मुझे रिवर्स करना है और ये जो है कर 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 रिवर्स कर लिया। तो अब टकले को दे ना भाई, तू रिंग में जा, एज स्टाइल तू रिंग में जा भाई, तू रिंग में जा, इनको लड़ने दे क्योंकि खामखा मार पड़ेगी तो फिर ये मुझे पसंद बात नहीं आएगी। मैं किसके ऊपर जंप दूं, किसके ऊपर जंप दूं, रेंडी के नहीं टकले के ऊपर देते हैं, टकले के ऊपर जंप देते हैं और ये जो है टकले के ऊपर गिरे भाई साहब, टकला जो है पूरी तरीके से बेहाल हो गया। मुझे रिंग के अंदर जाना पड़ेगा वरना तो भाई इन दोनों की मुझे कुछ ज्यादा ही मार पड़ेगी क्योंकि मैंने ज्यादा इनको मार दिया। अबे भाई राजा ना एज साइड रिंग में, टकला रेंडी के पीछे पड़ा है भाई, रेंडी यार ये सीन गलत थे यार, छोड़ देना रेंडी तो मेरे पीछे ही पड़ी है। अबे भाई रेंडी यार तू छोड़ देना मुझे, कितना मारेगा, नहीं रिवर्स करेंगे रिवर्स करेंगे रिवर्स करेंगे, रिवर्स करना भाई क्यों नहीं कर रहा। ओ भाई टकले तू मारना इसको, यार रेंडी मेरे पीछे पड़ गया, टकला यहाँ पे स्टाइल दिखा रहा है, भाई टकले नीचे आ मुझे बचाना रेंडी से। और ये जो है मैंने रिवर्स कर दिया, तो अब मैं जा रहा हूँ रिंग के अंदर, तो कोई भी आएगा तो मैं इसको या फिर सिग्नेचर मारूंगा या फिर फिनिशर मारूंगा। तो भाई टकले को पहले करते हैं स्टंट, टकला तू स्टंट हो जाना भाई, ओ ओ भाई टकला तू स्टंट हो जाना, मुझे मारने क्यों नहीं दे रहे, रेंडी को मारते हैं, रेंडी को थपड़े मार थपड़े मार थपड़े मार। अब तू यहाँ पे टकला तू मेरी शक्ल देख जब तक मैं उसको अपना फिनिशर और सिग्नेचर मार दूं। उठा उठा रेंडी को उठा रेंडी को उठा रेंडी, अबे यार स्टंट होने वाला था रेंडी, रेंडी स्टंट होने वाला था और ये एजेसल का नया मूव जो है रेंडी को दे दिया है।
ओ भाई साहब, टकला भाई उठा रहा है, टकला क्या उठा रहा है भाई? एक सेकंड, मुझे मूव थी बता रहा था, अभी भी दिखेगा आप लोग, दिखेगा रेंडी का फर्नीचर, रेंडी को ही मारेंगे हम। और ये देखिए, अबे भाई टकले ने मारने नहीं दिया, टकले मैं रेंडी का फर्नीचर, रेंडी को मार रहा था, तू बीच में नहीं आना, थपड़े खा रेंडी को, मैं मार रहा था ना, तुझे नहीं आना चाहिए था बीच में। अब रेंडी को मारेंगे, रेंडी का फिनिशर। और स्पेस स्पेस स्पेस, चलो भाई स्पेस के नहीं बताया, तो रेंडी ने जो है हमें पकड़ा है। नहीं, अबे रिवर्स करना नहीं कर सके भाई रिवर्स, अब भाई हमें मार पड़नी है। ये देखिए भाई रेडी पता नहीं क्या कर रहा है रेडी भाई। ओ रेडी ख्याल कर लेना, कुछ नाजुक जाने है जैसे स्टाइल की। ओ तेरी खेलो पे भाई, नहीं 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 नहीं। और ये फिर आर के ओ रेडी ने लगाया, आई कांट बिलीव दिस, रेडी ने अपना फिनिशर लगा दिया है। अबे भाई एज स्टाइल तुझे उठना है, तुझे कसम है तुझे उठनी है एज स्टाइल। उठ 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 उठ, और एज स्टाइल के काउंट करती भाई साहब। और ये जो है उठ गए, तो भाई अब एज स्टाइल को मैं अपना फिनिशर मारूंगा। उठ एज स्टाइल, ओ अब मैं रेडी को मारूंगा अपना फिनिशर, सॉरी उसको मैं मार मार मार। और ये जो है लगा दिया फिनिशर, अपनी आंख पूरी कर दिया। लेकिन टकला बीच में आएगा, अबे ये सीन गलत है यार, टकला तो तू बीच में नहीं आना, टकला तू नहीं आना। 1 2, अबे नहीं यार के काउंट कर दी इसने, टकला तू बीच में क्यों नहीं आया भाई? ओ सटिया गया है क्या? मैं ये में जीता तो तुझे पता नहीं कि ये में अगर मैं जीत जाता तो भाई तू तो फिर पूरे तरीके से घायल हो जाता ना, तू रोता फिर। और ये जो है टकले को मुंडी वाला दे दिया है, बस टकले को करेंगे स्टंट और फिर जो है रेंडी को निकालेंगे। टकला तू स्टंट हो जाके, रेंडी को ऑलरेडी एक फिनिशर दे दिया है हमने, और ये रेंडी ने हमें सुपरलेक्स मार दिया है भाई। इन दोनों में से मुझे किसी को तो स्टंट करना पड़ेगा ना। और नहीं रेंडी, ओ रेंडी मेरे बच्चे, रेडी क्या दौरे चढ़ेगा तुझे? ये क्या कर रहा है रेंडी? रेंडी कर क्या रहा है? रेंडी ने भाई सुझा रहा है क्या इसको टकले को? ओहो टकले की हालत भाई बुरी कर रहा है रेंडी। तो भाई अब जो है, नहीं भाई रेंडी मैं टकले को मारने जा रहा था, तो तू बीच में क्यों आया? और ये जो हमने रिवर्स कर दिया, अब भाई अब रेंडी को पहले दे जूता, रेंडी और टकला वहां पे स्टाइल दिखा रहे, तो टकले को निकाल, टकले को निकाल, टकला स्टंट हो जाएगा तो फिर जो है रेंडी को निकालने में आसानी होगी। और भाई टकला स्टंट होने वाला था लेकिन नहीं हो सका, लेकिन अब हो जाएगा, टकला टकला हो जाएगा, तो रेंडी को मारेंगे। अब टकले की बारी, टकला टकला, अबे भाई रेंडी स्टंट हो गया तो ये मौका अच्छा है, टकले को मारते हैं फिनिशर। हाँ ये सही है भाई, अब मारेंगे टकले को फिनिशर, यानी कैरियन क्रॉस को। भाई मुझे इसका नाम नहीं आ रहा बार बार, इस वजह से मैं इसको टकला बोल रहा हूँ, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। और ये जो, अबे नहीं मेरा फिनिशर ज्यान हो गया, अबे भाई साहब टकले की लात भी मेरे मुंह में पड़ गई भाई साहब। नहीं टकले तू मेरा फिनिशर ज्यान करेगा, तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से? ये तो टकले को मारेंगे भी सिग्नेचर अपनी, तो अब सिग्नेचर आ गई है। और ये रजिस्टर क्या कर रहा है भाई? ओ उसकी मुंडी में दे दिया है। अब हमारी सिग्नेचर आ गई है तो मारेंगे टकले को सिग्नेचर, दे 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 स्पेस ये लगा दिया है। और ये जो है सबमिशन, सबमिशन है। और जा 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 भाई, जा यही बता रहा है, बता रहा है, बता रहा है, एल बता रहा है, एल बता रहा है, एल बता रहा है, एल बता रहा है, आई बता। अबे यार रेंडी बीच में आ गया, रेंडी तू क्यों आया बीच में? नहीं आना चाहिए था भाई तुझे रेंडी बीच में। तो टकले को स्टंट करेंगे तो फिर जो है रेंडी को अपना फिनिशर मारेंगे। टकला टकले को पकड़, और ये जो है उठाया है ऊपर की तरफ और दे दिया है भाई रिंग में। रेंडी नहीं, रेंडी नहीं, और ये हमें देगा, हमें देगा। अब भाई मैं रेंडी को दूंगा डंडा, अब टकले को भी दे, टकला जब तक स्टंट नहीं। ओ रेंडी हो गया स्टंट, तो अब मारेंगे टकले को फिनिशर। फेंक उसको, फेंक फेंक फेंकना भाई, और टकले को मार फिनिशर। उठ उठ टकले, टकला उठ। और ये जो है लगा दिया है और कंट्रोल के भी। और रेंडी उठना नहीं है, रेंडी उठना नहीं है, रेंडी उठना नहीं है, रेंडी प्लीज तुझे उठना नहीं है, रेंडी तुझे कसम है तुझे उठना नहीं है। 1 2 3 फाइनली भाई एज ए स्टाइल ये वाली मैच जीत गया है। ओ तेरी खैर, ये मैच में कभी नहीं जीत पाता अगर रेंडी स्टंट नहीं होता। तो भाई रेंडी ने मुझे कैचिंग फिनिशर मारा था, मैंने ये रस्से के ऊपर चढ़ के फिनिशर मारा था आरकेओ, फिर भी मैंने किक आउट कर ली यार। ओ भाई साहब टकला तो भाई इस मैच में फालतू ही था ना, इसने कोई अच्छा मूव मारा ना कुछ किया, बस ऐसे हमसे मार खा रहा था। लेकिन भाई रेंडी ने हमें बहुत मारा, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन टकले ने भी आखिर में हमें लाते हैं मारी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो चाहिए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर जो मेरा नया है तो उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ अच्छी कमेंट करें, अच्छी समझ आ रही है आप लोगों को, अच्छे सुपरस्टार की कमेंट करें कि अगली वीडियो कौन सी आए। अल्लाह हाफिज़।